बौद्ध धर्म के संस्थापक महान धर्म गुरु गौतम बुद्ध जी के महान विचार और उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने अपने महान उपदेश और शिक्षाओं के माध्यम से न सिर्फ लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई बल्कि उन्हें मोक्ष प्राप्ति का रास्ता भी दिखाया। दोस्तों, एक समय एक राजा गौतम बुद्ध के पास आए। गौतम बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने महात्मा बुद्ध से निवेदन किया कि वह उनसे एकांत में कुछ कहना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध बोले, यही बोलो जो बोलना है। राजा बोले, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। ये सुनकर बुद्ध थोड़ा गंभीर हुए और वे बोले, तुम्हें संन्यास्ता होने के लिए दीक्षा देने से पहले मेरी एक शर्त है। जब राजा ने कहा दीक्षा लेनी ही है और मुझे सन्यासी होना ही है तो मुझे हर एक शर्त मंजूर है। बुद्ध ने आदेश दिया, अपने कपड़े उतारो और नग्न हो जाओ और अपने ही नगर के राज्य मार्ग पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा ने वही किया, अपने ही नगर में स्वयं को जूते मारते हुए चलने लगा। उसके जाने के पश्चात शिष्यों ने बुद्ध से कहा, जब हम दीक्षा लेने आए थे तो ऐसी कोई कठोर शर्त नहीं थी, आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, राजा की इतनी कठोर परीक्षा क्यों? फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार इतने बड़े नहीं थे, इसलिए तुम्हें द्वार द्वार की भिक्षा मंगवा कर काम बन गया था। पर यह तो एक राजा है, इसका अहंकार बहुत बड़ा है, इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। राजा जब नग्न दशा में अपने ही प्रजाजनों के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर होगा। राजा ने शाम तक अपनी शर्त पूरी कर दी। फिर वह बुद्ध के चरणों में आकर बैठ गया, बोला, गुरुदेव अब मुझे दीक्षा देकर संन्यास्ता करें। बुद्ध ने राजा के सर पर मुकुट रखा और कहा, तुम्हें अब संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, जाओ और स्वामी भाव छोड़कर सेवक भाव से राज्य करो। अब तुम एक राजा नहीं बल्कि राजश्री हो चुके हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।